हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वापस आ चुका हूँ 250 सीसी प्रो लीग खत्म करके। और सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोग को ट्रिप के व्लॉग्स कैसे लगे, मतलब मज़ा आ रही थी कि नहीं? और जितने भी लोगों ने देखे, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, लोगों को एडिटिंग बहुत पसंद आई। अंदर से काफ़ी मोटिवेट होता हूँ मैं जब आप लोग कमेंट करते हो, तो ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करो भाई। लेकिन क्या ट्रिप थी, मतलब इतने मज़े किए मैंने, इतने मज़े किए। ऐसी ऐसी जंप्स लिए, ऐसे ऐसे ऑफ रोड पैचेस लिए, स्लाइड्स मारी, बर्नआउट्स मारे, कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं मैंने इस ट्रिप पे। आग लगा दी एकदम, मतलब अंदर से तो इतना ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, इतना पॉजिटिव वाइब्स आ रही है अंदर से। इस ट्रिप पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जब भी आप ट्रैवल करते हो ना, आप एक्चुअली रिच होते हो, मतलब आप एक्सपीरियंस में रिच होते हो। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ऐसे नहीं सीख सकते हो, तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग ज़रूरी होती है। आप चीज़ों को दूसरी तरह से देखना शुरू कर देते हो। काफ़ी ऐसे टाइम आया ट्रिप में जब मैंने खुद को ऐसे स्ट्रांग बनाया कि नहीं, मुझे करना है, ये मैं कर सकता हूँ। जैसे वो माउंटेन चढ़ाना था, वो सारी चीज़ें। और एक बार रात में बारिश शुरू हो गई थी, बिजलियाँ कड़क रही थी, फिर भी मैंने कहा नहीं, रुकना नहीं है, राइड करते रहेंगे। तो अंदर से स्ट्रांग हो गए। तो सही बोले तो आई हैव बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ नाउ। और काफ़ी कुछ सीखा। हस्कवर्ना काफ़ी चलाई, बट कहीं ना कहीं अपनी दोनों बाइक्स को काफ़ी ज़्यादा मिस किया मैंने भी, और मुझे लगता है आप लोग ने भी काफ़ी मिस किया होगा। RS 200 को, अपनी पॉकेट रॉकेट ड्यूक 390 को, और बाय द वे बहुत जल्दी सुपर बाइक भी आने वाली है, तो बहुत चीज़ें वेट कर रही हैं अभी। सो आज क्या सीन है कि आज हम चलेंगे अपनी RS 200 ड्यूक 390 के हाल देखेंगे। और RS को तो मैं कवर करके गया था, बट ड्यूक बिना कवर की खड़ी थी, तो ड्यूक थोड़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। तो चलते हैं, दोनों गाड़ियों को वॉश कराएंगे, केयर करेंगे, बाइक चला के देखेंगे, और जो फील होगा वो शेयर करेंगे आपके साथ। सो लेट्स गो, चलो। सो ये रही अपनी दोनों बाइक्स की चाबियाँ, और देखो मैंने ऐसे लगा रखी है सही रहता है, ध्यान रहता है, मिल जाती है। और ये रहा हेलमेट। तो ये हेलमेट इस वाली ट्रिप पे मैंने अच्छे से यूज़ किया। काफ़ी लोग इसका नाम पूछ रहे थे, इसका नाम है एपिक्स हंटर, और एग्जॉर का है ये हेलमेट। बाय द वे देखूंगा, अगर अमेजोन पे होगा तो आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। एंड काफ़ी अच्छा हेलमेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा, और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, वाइज़र अच्छा है। एक कमी मुझे लगी कि इसका जो ये पीछे वाली ये है पैडिंग, ये हमेशा निकलती रहती है अगर आपने एक बार ब्लूटूथ या कुछ भी लगा लिया। इनफैक्ट जिन्होंने नहीं लगाया, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये थोड़ा एग्जॉर, अगर कोई देख रहा है एग्जॉर से, तो प्लीज़ फिक्स दिस। एंड अदर देन दैट हेलमेट इज़ एक्सट्रीमली गुड। चलो लाइट बंद करते हैं। सो मुझे जो चेंज करेगा सीन। सो ड्यूक यहाँ पे पार्क थी, और ड्यूक की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा गंदी हो गई है, और एक्चुअली ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। ये देख रहे हो हालत, मिरर्स विरर्स की हालत देखो। और बाय द वे RS मुझे लगता है थोड़ा बेटर कंडीशन में होगी यहाँ पे। और ये ड्यूक का कवर था जो मैं RS पे डाल के चला गया था, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहली बाइक है इसलिए इसको कवर किया, पहले से कवर थी, ड्यूक चला रहा था इसलिए ये कवर रह गई और ये ऐसी छूट गई। तो दोनों को बहुत ही प्रॉपर वॉश की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं दोनों को। RS का भी ये जो कवर है हटाते हैं जल्दी से, गंदी तो ये भी है एक्चुअली अच्छी खासी, बिकॉज ये पहले से ही गंदी हो रखी थी। अब मिरर लगे ना, तब से थोड़ा प्रॉब्लम होती है कवर लगाने हटाने में। ओहो, ये बल्कि और ज़्यादा गंदी है, लग लेकिन खूबसूरत रही है, गंदी है तो क्या हुआ, लुक देख रहे हो भाई, एक नंबर लग रही है। चलो स्टार्ट करते हैं दोनों बाइक्स को। तो सबसे पहले कौन सी, RS करें, RS करते हैं पहले, जान तो है, शोज द साइन ऑफ लाइफ। लेट्स सी, FI की भी आवाज आ गई, न्यूट्रल हो जा, हो जा, हो गई। चलो एज ऑलवेज मस्त है, कोई इशू नहीं, इसको रहन देते हैं स्टार्ट। और इसीलिए मैंने सीधी करके करी, बिकॉज जो ऑयल है ना वो सेटल डाउन हो जाता है थोड़ा। दोनों को वॉश पे ले जाएंगे आज ही इसी व्लॉग में, यही काम है मेरा मेन आज का। तो पहले इसको ले चलेंगे वॉश कराएंगे, फिर इसको ले चलेंगे वॉश कराएंगे, नहीं पहले इसको ले चलेंगे क्योंकि इसको मैंने खुला छोड़ा था, तो इतनी पार्शियलिटी नहीं करेंगे ड्यूक के साथ, पहले 390 जाएगी इस बार। क्यों बेबी, बहुत हो गया ना, डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ, अब मज़े करेंगे। बेचारी कब से खड़ी है, इंतज़ार कर रही होगी, एक व्हील ही नहीं पड़ी उससे, बताओ, तब से उसके सस्पेंशन दबे नहीं है। ये थोड़ा वल्गर हो रहा है लेकिन ठीक है,
चलो इसको स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, खराब हालत में है इस टाइम ये। स्टार्ट करते हैं, सीधी कर लेते हैं इसको भी। क्या बात है, स्टैंड लगाए लगाए। चलो लेट्स गो, ड्यू के लिए चलना है पहले। बाय द वे आरएस में हवा नहीं बची है एकदम, सो ये पंप से भर लेते हैं यार। ये भी पता नहीं चार्ज है कि नहीं, लगाते हैं इसको। तो हवा कम तो डेफिनेटली थी, 20 थी, एंड जब तक ये फिल कर रहा है तब तक हम ड्यूक निकाल लेते हैं और चला जाए। चलो, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मोटो व्लॉग इन माई सिटी, एंड अभी ड्यूक चला के बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद मैं ड्यूक चला रहा हूँ और अंदर से एकदम ऐसे पावरफुल फील हो रहा है काफ़ी यार, अच्छा लग रहा है। अरे वाह वाह रे क्या पावर है भाई, क्या पावर है इसमें, अलग चीज़ है भाई। और लिटरली मैंने क्लच पॉप नहीं किया, मैं फर्स्ट गियर में था, मैंने थ्रॉटल दिया, बाइक ऐसे उड़ने लगी हवा में सीधा, और उसके बाद गियर शिफ्ट मारा भाई। बहुत ही भयानक मशीन है यार। अगर आपको 3 लाख रुपए में एक्सपीरियंस करना है वो जो सुपर बाइक वाला जो फील होता है ना स्टार्टिंग का, तो आप ड्यूक या RC390 उठा लो, और ऐसा एक्सेलरेशन आपको एक्सपीरियंस होगा, मतलब आपको लगेगा कि यार हाँ कि आगे जो आने वाली जो 600cc कैटेगरी है, लीटर क्लास कैटेगरी है, उसका जो स्टार्टिंग का फन होता है ना वो हल्का सा आपको ये कहीं ना कहीं दे पाएगी। और मुझे लगता है और कोई बाइक जैसे निंजा 300 हो गई, 400 हो गई, ये सब बाइक्स क्या है ना, ये सब बहुत लीनियर डिलीवरी है इनकी, तो टॉप एंड में तो आपको मज़ा आएगी, बट इनिशियली आपको वो वाला फ़न नहीं मिलेगा जो आपको एक मिडिल वेट या एक लीटर क्लास बाइक से मिलेगा। क्या कर रहे हैं, बस इसको धुलना है, फिर अभी एक और ले आ रहे हैं वो भी धुल दीजिए। भयानक गंदी है। हाँ बताइए। अच्छा अच्छा मेरा नाम, अच्छा अरे वाह, नहीं नहीं चाय नहीं भाई चाय नहीं अरे हम खुद 10 दिन के लिए बाहर चले गए थे ना। टिम रिम आप कैसे साफ करते हो, घर पे करो ना, होता ही नहीं है साफ। अच्छा जब आप थे नहीं यहाँ पे, हम 3-4 जगह धुला है, कहीं रिम साफ ही ना हो। नहीं आपका काम बहुत बढ़िया लगता है, हमें सही बता रहे हैं भाई। नहीं अपनी समझो भी, आपको ले जानी हो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस्ट चीज़ यही लगती है भाई, बाइक को ऐसा यहाँ पैम्पर किया जाता है, इतने बढ़िया से ट्रीट किया जाता है, एकदम चमक जाती है। और कहीं ऐसा मतलब ट्रीटमेंट मिल ही नहीं सकता बाइक को, तो जो भी लखनऊ से भाई लोग हैं मेरे, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, दिल से है ये। बाइक चमक गई और ऐसी चमकी है ना भाई, क्या साफ हुई है भाई। आ रहे हम 5 मिनट में, रख के इसको भाई। डिस्प्ले देखो कितना चमक रहा है, ऐसा लग रहा है नया लगाया अभी, हालांकि नया ही लगाया, बट इतना गंदा था कि मतलब थोड़ा सा पुराना लगने लगा था एकदम, इतना गंदा था। और बाइक इतनी ऐसी साफ करता है भाई, और सच बता रहा हूँ मेरे से 2 बाइक का समझ रहे हो 140 रुपीज़ यार, कुछ नहीं है यार। और इतनी इतनी अच्छे से साफ करते हैं भाई, इतनी मेहनत करते हैं, वर्थ है। अरे बाप रे, हाथ क्यों काले कर रहे हैं।
और भाई पता नहीं क्या होता है ना, एक बार जब गाड़ी साफ हो जाती है ना तो चलाने में भी अच्छा लगता है अंदर से आपको, और ऐसा लगता है कि ज़्यादा भाग रही है। आई नो थोड़ा स्टूपिड वाली बात है ये, बट अंदर से इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि भाई वेट कम हो गया बाइक का, गंदगी निकल गई सारी। क्या ब्रेक सर, मज़ेदार। बाय द वे ब्रेक वाला ब्लॉग कल आ जाएगा, वो भी देखना क्या हुआ है, क्या करवाया गया है बाइक में और किस हालत में करवाया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी स्विच करते हैं फटाक से, ड्यू खड़ी, आरएस वापस लाते हैं, और आपके लिए तो ऐसा स्विच होगा एकदम यू। सो हम आ गए आरएस पे, मैंने कहा था ना तुरंत हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। एंड अब आरएस की बारी है, और हवा हवा भर लिया इसमें तो अब भयानक भाग रही है। आरएस भी अलग ही चीज़ है भाई, बस एक चीज़ है कि ड्यूक की ब्रेक लगाने के बाद आरएस की ब्रेक ऐसा लगता है कि साइकिल की पहले वाली ब्रेक नहीं होती थी, वो मार रहा हूँ। 390 की ब्रेक इतनी शार्प और इतनी भयानक बाइट ऑफर करती है। लेकिन अगर सही बताएं तो 200 सीसी में इससे भयानक चीज़ कोई है नहीं, जो सच बात है। और देखते हैं इसमें यार, इसका स्प्रॉकेट जा चुका है, स्प्रॉकेट चेंज कराना है, बहुत ढेर सारे काम है, इतने टाइम से बाहर थे तो सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, सब करवाते हैं धीरे धीरे। अब लौटे हैं वापस, तो अब धीरे धीरे बैक टू वर्क, बैक टू लाइफ, जो अपनी रेगुलर लाइफ है उसमें वापस आना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद 3 बाइक्स लानी पड़ेंगी धुलने के लिए, बड़ी टेंशन है, खुशी भी है। इसके रिम पे जो पेंट हुआ है बहुत अच्छी क्वालिटी का है ना, लेकिन रैप अच्छी क्वालिटी का नहीं है, रैप उसने किया नहीं बढ़िया से यार, रैप हट रहा है, देख रहे हो जगह जगह से। पहले दिन से ही फिनिशिंग नहीं लग रही थी, मैं सोच जाएंगे फिर टाइम ही नहीं मिला। अपनी आरएस भी एकदम टिप टॉप हो गई, चमक गई, पानी निकल रहा है शीशों से, शीशों से पानी निकल रहा है, मतलब अंदर गया पानी, ख़राब ना हो जाए मेरे मिरर्स, लाइट इंडिकेटर एक्चुअली जल तो रहे हैं। एक ऐड था करिश्मा का जिसमें ऋतिक रोशन होता था, तो येलो कलर की करिश्मा होती थी, और मतलब क्या ऐड था भाई, वो कुछ लोग होते थे उसकी करिश्मा गंदी कर देते, फिर भगाता था, वो वीली वीली मारता था तो सारा जो कीचड़ था वो उड़ के पीछे उन लोग पे पड़ता था। तो वैसे ही हो रहा है कुछ, अभी गाड़ी धुल के आई है, पूरा पानी उड़ रहा है मेरे ऊपर आ रहा है, बट बहुत अच्छा लग रहा है इतनी गर्मी में, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा और पानी आए मेरे ऊपर। थोड़ा अच्छा लग रहा है। अपनी ड्यूक, अपनी आरएस एटलीस्ट क्लीन हो गई, अब जो बाकी का काम है वो आने वाले व्लॉग में कराते रहेंगे, आप देखते रहना जो जो चीज़ें होंगी, बिकॉज आरएस में तो थोड़ा ज़्यादा काम करवाना है, अभी स्प्रॉकेट चेंज करवाना है, और एक चीज़ मैं सोच रहा था वो सरप्राइज़ रखूँगा, देखते हैं आरएस के लिए। 3 बज गए हैं और भूख लग रही है, दाल चावल खाना है, घर का दाल चावल तो मेरा फेवरेट है भाई। सो अब सीधा घर चलते हैं, व्लॉग एंड करते हैं, एंड बस यही तक था ये व्लॉग। सो सारा काम हो गया और बहुत थक गए, हालत देख रहे हो, पूरे बाल बाल एकदम चिपक गए, खड़े करके गए थे। एक चीज़ तो बता रहा, मैं भूल गया कि इंस्टा पे 50K फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो काफ़ी खुश हूँ मैं, एक बार थैंक यू सबको। और अगर यार आपको पोस्ट अच्छी लगे, वीडियोस अच्छे लगे, तो इंस्टा पे फॉलो करो, थोड़ा सपोर्ट करो, जल्दी से 50K पहुँचा दो। एंड बाय द वे अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, राइड सेफ। और बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही भयानक भोकाली व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई अपनी सिटी वापस आ चुका है।